तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास जॉब नहीं है, आप फ्रेशर सिविल इंजीनियर हो या आप परस्यूइंग सिविल इंजीनियर हो या आप काम करते थे बट आप काम नहीं कर रहे हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये बात करेंगे कि टॉप 6 सॉफ्टवेयर वो कौन कौन से है जो एक सिविल इंजीनियर को आने ही चाहिए। तो ये जो 6 सॉफ्टवेयर मैं आपको बताने वाला हूँ, ये अगर आपको आते हैं तो आप अपने करियर में कभी खाली नहीं बैठोगे। आपको अपने करियर में ग्रोथ भी मिलेगी और आप अच्छे खासे पैसा भी कमा सकते हो, अपना खुद का स्टार्टअप भी कर सकते हो। तो इस वीडियो को एक बार आप पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज मैं आपको टॉप 6 सॉफ्टवेयर के बारे में तो बताऊंगा ही, साथ में उसके यूजेस भी बताऊंगा कि अगर आप कहीं पे काम करते हो या खुद का आप स्टार्टअप करते हो तो इसकी क्या यूजेस रहने वाली है आपके लाइफ में, आपके करियर के लाइफ में, आपके कॉर्पोरेट सेक्टर में इसके क्या यूजेस रहने वाली है। साथ में ये भी लास्ट में आपको बता दूंगा कि अगर आप ये सारी चीज सीखना चाहते हो कहीं से तो आपको कहां से सीखना चाहिए, जहां पे आपको बहुत ही चीप प्राइस में आपको ये सारा चीज पूरे डिटेल्स में आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ऑटोकैड 2D और ऑटोकैड 3D के बारे में। हर एक सिविल इंजीनियर को ये दो चीज तो आनी ही चाहिए। हम लोग जब साइट पे काम करवाते हैं, जो ड्राइंग हम लोग स्टडी करते हैं ना, वो 2D में बनी हुई होती है। तो आप साइट में काम करो या आप ऑफिस में काम करो, आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़े हुए हो तो इन सॉफ्टवेयर का यूज आपको हर डे करना ही पड़ेगा, पर डे करना ही पड़ेगा। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग जब साइट पे एग्जीक्यूशन करवाते हैं ना, तो हार्ड कॉपी में सारा ड्रॉइंग सारा डायमेंशन नहीं मिलता है, तो उस वक्त हम लोग को प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि बहुत बार स्केल से उसको स्केल में ट्रांसफर करके हम लोग वो मेजरमेंट ले लेते हैं, जो कि एक्यूरेट नहीं होता है। तो हम लोग को यूज करना पड़ता है ऑटोकैड का सॉफ्ट कॉपी वाला फाइल, जिसमें हम लोग डायमेंशन को चेक करते हैं। तो अगर आपके लाइफ में कोई काम नहीं भी है तो भी किसी ना किसी दिन तो ऑटोकैड का यूज आपके लाइफ में आ ही जाएगा। साथ में इस सॉफ्टवेयर पे आपका कमांड बहुत अच्छा है तो आप अपना पार्ट टाइम जॉब भी, अपना कंसल्टेंसी भी खोल सकते हैं, जहां पे आप प्लान वगैरह बनवा सकते हैं और अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे रेविट स्ट्रक्चर एंड रेविट आर्किटेक्चर, जिसमें आप 3D मॉडलिंग कर सकते हैं किसी भी स्ट्रक्चर का। इस सॉफ्टवेयर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपके लाइफ में अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो तो, ठीक है, क्योंकि इसके थ्रू आप अपने क्लाइंट को ये विजुअलाइज करवा सकते हो कि उनका प्रोजेक्ट बनने के बाद किस तरीके का दिखने वाला है। क्योंकि उनको ड्रॉइंग समझ में नहीं आती, कुछ टेक्निकल पैरामीटर समझ में नहीं आते हैं, तो वो लोग क्या समझेंगे, अगर अपनी आंखों के सामने वो चीजों को देखेंगे तो ही वो विजुअलाइज कर पाएंगे। तो अपने डील को भी क्रैक करने में ये सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा आपको हेल्प करती है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे स्टैट प्रो एंड स्टैट फाउंडेशन। स्टैट प्रो में हम लोग क्या करते हैं कि एक बिल्डिंग को स्ट्रक्चरली हम लोग सेव करते हैं। ऑटोकैड से तो हम लोग को आर्किटेक्चर ड्राइंग वगैरह मिल गया, लेकिन उसके अंदर हम लोग को कौन से ग्रेड का कॉन्क्रीट डालना है, स्टील का ग्रेड क्या रहने वाला है, स्टील कितना डालना होगा, ये सारा चीज हम लोग को एनालिसिस करके पता चलता है और ये सब हम लोग करते हैं स्टैट प्रो में। अब मैं आपको बताता हूं कि एनालिसिस करना क्यों जरूरी है। देखो, आप स्टील डाल दोगे तो वैसे ही वो स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर आप एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, इस कॉलम में कितना स्टील डालने से ये सेफ भी हो जाएगा और हमारा पैसा भी बिना मतलब का ज्यादा खर्चा ना हो, इसलिए डिजाइन किया जाता है, इसलिए एनालिसिस किया जाता है। और उसी के साथ यहाँ पे स्टैट फाउंडेशन है, जिसमें हम लोग फाउंडेशन को एनालिसिस करके उसका डिजाइन करते हैं। इसके बाद आता है RCDC, ये भी एक सिविल इंजीनियर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी सॉफ्टवेयर है, जो आप लोग को पता ही होना चाहिए। उसके बाद है यहाँ पे MS Excel। MS Excel आप लोग सभी जानते हो कि जब साइट पे काम कराते हो तो इसके बिना आप डिटेलिंग, रिपोर्टिंग ये सब नहीं कर पाओगे। तो ये भी बहुत बड़ा एक सॉफ्टवेयर है जो एक सिविल इंजीनियर को आना ही चाहिए, और डेली यूजेस में कोई और सॉफ्टवेयर काम लगे ना लगे ये तो आपका लगना ही है। लास्ट है यहाँ पे क्वांटिटी एंड शेड्यूलिंग, जो कि रेविट से लिंक है, ये सॉफ्टवेयर का भी नॉलेज आप लोग को यहाँ पे होना चाहिए। तो अब आपके मन में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि ये सारे चीज हम लोग को चीप प्राइस में, रीजनेबल प्राइस में कहां से लेना चाहिए। तो सॉलिट्यूड एडुकेशन आप लोग के लिए लाया है कॉम्बो कोर्स, जिसमें ये सारा चीज आप लोग को सिखाया जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस में, और इसके साथ ही आपको यहाँ पे ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि ऑल ओवर इंडिया वैलिड है। और कंपनी अगर चाहे कि ये जेन्युइन है कि नहीं, वो भी वो ऑनलाइन वेब पोर्टल पे चेक कर सकती है उस सर्टिफिकेट को। लेकिन सिर्फ सर्टिफिकेट लेने से नहीं होगा, आपको सीखना तो पड़ेगा ही, तभी इसका जो वैल्यू है वो एड होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है कॉम्बो कोर्स का सॉलिड एडुकेशन के प्लेटफॉर्म पे, और इसके लिए आपको यहाँ पे करना पड़ेगा ₹1999। बहुत ही हाई डिस्काउंट के साथ आपको ये सारा पार्ट, सारा सॉफ्टवेयर आपको सिखाया जाएगा।
तो आइए अब हम लोग कोर्स फीचर्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलने वाला है इस पूरे कोर्स का। इसका मतलब आप जितनी बार चाहो उतनी बार आप यहाँ से सीख सकते हो। इसी के साथ ही आपको हर एक सॉफ्टवेयर का अलग अलग इंडिविजुअल सर्टिफिकेट मिलने वाला है। तो सर्टिफिकेट आपको बहुत हेल्प करेगी, लेकिन पहले आपको स्किल गेन करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये सर्टिफिकेट आपको मदद करेगी। इसके बाद यहाँ पे रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशन होते रहते हैं। प्रैक्टिस मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, डेटा, PDF, एक्सेल शीट्स, वो सभी चीज आपको प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड कर दी जाएगी। और इसी के साथ ही यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए 1000 प्रैक्टिस सेट ऑफ ड्राइंग आपको प्रोवाइड की जाएगी, जिसको देख के, जिसको आप समझ के आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आपका जो स्किल है और ज्यादा एनहांस हो सके, डेवलप हो सके। इस कोर्स के लिए खुद को एनरोल करने के लिए आपको सॉलिट्यूड एडुकेशन के ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना होगा, गूगल प्ले स्टोर से, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उनके ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, साइन अप कर लीजिए, और आपको ये बैनर दिख जाएगा। इस बैनर पे आप जाके वहां से इस कोर्स के लिए खुद को एनरोल कर सकते हो। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो यहाँ पे आप नंबर देख पा रहे हो। एनी टाइम किसी भी वक्त आप एक बार बात कर लीजिएगा, कुछ भी डाउट ऐसा रह गया आपके मन में जो मैं यहाँ पे क्लियर नहीं किया हूं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।